ग्राम पंचायत हो गया, स्टेट हाईवे हो गया, नेशनल हाईवे हो गया, ये ऐसे 23 डिपार्टमेंट से आप लोगों को NOC लाना जरूर। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आई होप तुम्हें सर्वे आप अपने घरी है ठीक असनार। जब भी हम लोग इधर उधर कहीं बाहर घूमने जाते तो हमारे नज़र में आता है कि बहुत सारी ऐसी ज़मीनें हैं जो खाली दिखती है, तो हमारे मन में बहुत बार डाउट आते हैं, अरे इतने सारे खाली ज़मीनें यहाँ पे कोई घर क्यों नहीं बांधता, या फिर एग्रीकल्चर लैंड में कोई घर क्यों नहीं बांधता, या फिर हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट स्कीम आई, हमने सपोज घर बांध लिया या गवर्नमेंट स्कीम आ गई, तो वो हमें कैसे पता चलेगा। इन सब बातों पर आज हम बात करने वाले इस वीडियो में आगे, तो ये वीडियो आप पूरा देखिए। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो हम कहीं जाके घर नहीं बांध सकते, हमको नोटिस आ जाएगा, जिसकी वो जगह रहेगी या किसी गवर्नमेंट की जगह होगी या किसी पर्सन की जगह होगी, तो उस बंदी के पास उस जगह के डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं घर लेते वक्त NA देखना चाहिए या उसके TP देखना चाहिए, ये काफ़ी सारी बातें होती हैं। तो एक्चुअल में NA का फुल फॉर्म या TP का मतलब होता क्या है? NA का फुल फॉर्म होता है नॉन एग्रीकल्चर, मतलब जो एग्रीकल्चर लैंड रहती है उसको हम कन्वर्ट करते हैं नॉन एग्रीकल्चर में, और TP का मतलब होता है टाउन प्लानिंग। इस बातों को पूरा कन्वर्ट किए तो नॉन एग्रीकल्चर टाउन प्लानिंग ऐसा इसका मतलब होता है। NA के अगर थोड़ा और डीप में गए तो इसके भी 3 प्रकार पड़ते हैं, एक NA 32, एक NA 34 और NA 36। जो NA 32 है वो प्रॉपर इंडस्ट्रियल NA रहता, मतलब जैसी कंपनियों के लिए, बड़ी बड़ी जो कंपनियां दिखती है उन लोगों के लिए रहता, और NA 34 है ये प्रॉपर रेसिडेंशियल NA है, मतलब जहाँ पे हमको हम लोगों को घर वगैरह बंदे दिखते हैं वो वाला NA। और NA 36 है ये एक तरह से जो आप बोल सकते हो लर्निंग NA रहता, आप कंपेयर कर सकते हो लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस से जिस तरह रहता, मतलब ये NA ये प्रोसेस में रहता है, NA 34 के प्रोसेस में। आप लोगों को प्रॉपर रेसिडेंशियल NA चाहिए, मतलब NA 34 जो चाहिए, उसके लिए 23 डिपार्टमेंट से आपको NOC लाना पड़ता। अब ये 23 डिपार्टमेंट क्या है, जिस तरह आप देखते होंगे बहुत सारे लोग आपको बोलते हैं हम लोगों को पता नहीं था कि यहाँ पे गवर्नमेंट की स्कीम आ जाएगी, इस वजह से आपके प्लॉट वो गवर्नमेंट स्कीम में गए, या फिर हो सकता है ये उस बंदे की जमीन थी उसको गए, ऐसे काफ़ी बिल्डर लोगों से आपने ये बातें सुनी होंगी। पर NA 34 मतलब NOC लाते वक्त आप लोगों को 23 डिपार्टमेंट से NOC लेना पड़ता है, मतलब एग्जाम्पल के रूप में आप समझ सकते हो रेलवे हो गया, SRPF हो गया, CRPF हो गया, या फिर माड़ा के प्रोजेक्ट हो सकते हैं, या गवर्नमेंट के कोई भी प्रोजेक्ट हो सकते हैं, या फिर ग्राम पंचायत हो गया, स्टेट हाईवे हो गया, नेशनल हाईवे हो गया, ये ऐसे 23 डिपार्टमेंट से आप लोगों को NOC लाना जरूरी है, मतलब बिल्डर लोगों को NOC लेना जरूरी रहता है। मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, अगर आप लोग कहीं पे भी प्रॉपर्टी ले रहे हो तो NA 34 है क्या नहीं ये देखना काफ़ी ज़रूरी है, मतलब वो प्रॉपर रेसिडेंशियल होना ज़रूरी है, ताकि आगे चल के आप लोगों को कोई वो बोल नहीं सके कि इस जगह पे इस ये स्कीम आ रही है या फिर ये बंदे की जगह है, ये देखना काफ़ी ज़रूरी है। ये NATP जो सैंक्शन, ये पुरानी बातें हो गई, मतलब पुराना सैंक्शनेशन रहता था, या फिर आप बोल सकते जो गांवठान वाली प्रॉपर्टी रहती, मतलब सिटी से ले लो 40 या 50 किलोमीटर दूर पे जो प्रॉपर्टी रहती वो NATP सैंक्शन रहती, बट आज जो सिटी के अंदर जो भी प्रॉपर्टी हो NMRDA सैंक्शन रहती है, तो उस बारे में हम बात अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच वीडियो पूरा देखने के लिए, अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आया होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।